सिंहस्थ महाकुंभ पर्व श्री गुरु कार्षणी कुंभ मेला शिविर अनेक अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठानों के बीच हमारे परम आदरणीय योग ऋषि श्री स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ योग शिविर का यह सुंदर मंगलमय दुर्लभ अवसर। योग शिविर का आज द्वितीय दिवस और आज के इस द्वितीय दिवस के योग शिविर का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ करने के लिए यहां मंच पर जहां हम हमारे पूज्य चरण श्री गुरु कार्षणिक कुंभ मेला शिविर और केवल कुंभ मेला शिविर ही नहीं, हम सबकी आस्था श्रद्धा के केंद्र पूज्यपाद महाराज श्री की पावन सन्निधि का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। वहीं साथ साथ पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के श्री महंत परम आदरणीय महेश्वर दास जी महाराज आज मंच पर विराजमान हैं और उनके साथ ही हमारे परम आत्मीय परम आदरणीय श्री स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की पावन उपस्थिति मंच को शोभायमान कर रही है। हमारा विनम्र निवेदन परम पावन श्री चरणों पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज और पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज से कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के योग शिविर का शुभारंभ करने की कृपा करें। संक्षिप्त आशीर्वचन के लिए हमारा निवेदन परम आदरणीय श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज की अपना कुछ शब्दों में प्रारंभिक आशीर्वचन देने की कृपा करें। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र की जय। त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परिचय तो उनका कराया जाता है, जिनका परिचय न हो महाराज श्री के संदर्भ में और उनकी योग विधाओं के संदर्भ में आप लोग भलीभांति परिचित हैं। योग हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और भारतीय संस्कृति का कहें तो मानव संस्कृति का अभिन्न अंग है। और योग का अगर प्रथम सूत्र ही हम जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन समर जाए। अथ योग अनुशासनम, जीवन में हमारे अनुशासन आ जाए। लोग कहने को तो अधिकांश लोग अनुशासित रहते हैं, लेकिन अनुशासन अगर भय से आता है, अनुशासन अगर संकोच से आता है, अनुशासन अगर लज्जा से आता है या लोक अपवाद के
भय के कारण हमारे अंदर अनुशासन है तो निसंदेह यह अनुशासन कभी भी विखंडित हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। योग हमें ऐसे अनुशासन की ओर ले जाता है जहां न भय है, न लज्जा है, न संकोच है, न लोकोपवाद का डर है। स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण, उसी को कहते हैं अनुशासन। हम अपने आप में इतने संयमित हों, इतने नियमित हों कि हमें किसी दूसरे के अनुशासन में रहने की आवश्यकता ही न पड़े। और यही योग की एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारे ऋषियों ने जो हमको दी। तो निसंदेह हमारे योग ऋषि और हमारे परम स्नेही और जो योग का आज विश्व में योग को मान्यता मिली है और विश्व के अनेक देशों ने, 174 से अधिक देशों ने योग दिवस मनाने का संकल्प लिया और विगत दिनों योग को एक विश्व स्तर पर मनाया गया। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये समाज में जितनी भी बुराइयां हमें दिखाई दे रही हैं, इन बुराइयों से मुक्त एक सबल, सशक्त, भ्रष्टाचार, कदाचार और अनैतिकता से मुक्त समाज का निर्माण करना है तो हमें अपने ऋषियों के बताए मार्ग की ओर जाना ही होगा और उसमें योग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए ये योग शिविर मंगलकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तश। भारतवासियों के लिए नहीं, योग पूरे विश्व की आज आवश्यकता है क्योंकि जिस ढंग से शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक अशांति बढ़ रही है, तनाव, दबाव, दुर्भाव बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उसका बहुत समीचीन, बहुत युक्तियुक्त समाधान है। योग मानव मात्र के लिए है, ऐसा प्रेरक संकेत हमारे परमादरणीय श्री महंत महेश्वर दास जी महाराज ने अपने प्रारंभिक आशीर्वचन उद्बोधन में दिया। विनम्र निवेदन परमादरणीय श्री स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज से कि वह भी इस अवसर पर अपना संदेश देने की कृपा करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राजलिस्मि। आज की इस मंगलमय वेला में भगवान त्र्यंबकराज की पावन कृपा छाया में श्री गुरु काशनी कुंभ मेला शिविर के अंतर्गत परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री रामदेव जी महाराज का दर्शन करके मैं अपने को अत्यंत आनंदित, उल्लसित और धन्य अनुभव कर रहा हूं। भगवद गीता में भगवान संभवामी युगे युगे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान स्वयं विश्व के कल्याणार्थ पधारते हैं, प्रभु तो पधारते ही है लेकिन समय समय पर श्री भगवान अपनी अत्यंत श्रेष्ठ विभूतियों को भी इस संसार के कल्याण के लिए भेजते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज उन विभूतियों में से हैं जो इस विश्व के कल्याण के लिए अवतरित होकर के और वास्तव में अपने जीवन को इस प्रकार लगाए हैं कि कोई भी देखता ही रह जाए। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ दीर्घकाल सौहृद अनुभव करने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पूज्य स्वामी जी महाराज ने केवल इस देश के लिए अच्छे दिन लाने में अपरिमित परिश्रम नहीं किया, कितने ही महीनों तक लौट करके पतंजलि आऊंगा ही नहीं इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके निकल पड़े तो मुझे चाणक्य की याद आ गई कि मैं परिवर्तन लाकर के ही थमूंगा और उन्होंने लाया।
राष्ट्रधर्म के इस महान प्रहरी के अंतकरण में विश्व के लिए भी अत्यंत कल्याण की भावना है। और इसीलिए 21 जून को योग दिवस के रूप में सारे संसार को एक देन देकर के उन्होंने सारे विश्व के मांगल्य का मार्ग प्रशस्त किया है। कभी कभी उनके लिए कुछ बातें भी सुनने मिल जाती है, पूज्य महाराज बहुत कमाते हैं और उनकी संपत्ति को देख करके कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि बाबा कमर्शियल तो नहीं हो गए। मैं अपना निजी अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। यह सारी समृद्धि राष्ट्र की है, ध्यान रखना, यह धर्म की सेवा के लिए है, यह वेदों के पुनरुत्थान के लिए है। संपत्तिमान क्यों नहीं होना चाहिए? महाभारत में कहा, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। राष्ट्र को समृद्ध होना चाहिए, समाज को समृद्ध होना चाहिए, हमारे देश में और विश्व में भी कोई अभावग्रस्त गरीब नहीं रहना चाहिए। यह यदि आदर्श प्रतिष्ठापित करना हो तो उसी मार्ग पर चलना होगा जिस मार्ग पर पूज्य स्वामी जी महाराज हम लोगों को ले जा रहे हैं। इतनी सारी संपत्ति के मध्य में भी उनका निजी जीवन इतना निसंगता से भरा हुआ है जिसका मैं साक्षी हूं। इतनी संपत्ति में भी वे स्वयं एक सच्चे साधु की तरह, अरे मैं भी नहीं सोता, वे जमीन पर सोते हैं, एसी का उपयोग नहीं करते हैं और स्वयं इस प्रकार के साधुत्व का अपने जीवन में आलम्बन लेकर के दिखाते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उत्तम आदर्श खड़ा हो जाए। मैं अवसर की तलाश में था कि एक बार जाकर के ये सारी बातें लोगों के सामने रखूं। यदि कोई इस प्रकार की कोई बात करता भी है तो अवश्य ध्यान देना, उसका मूल कारण ईर्ष्या है अथवा अज्ञान है और कोई कारण नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज के इस पवित्र योग अभियान का एक छोटा सा उपकरण होने का प्रयास मैं भी करते रहता हूं, कभी कभी अपनी सेवाएं अर्पण करने के लिए पहुंच जाता हूं। लेकिन आज के दिन मैं यहां पर उपस्थित हूं इसका मुझे और आह्लाद एक दूसरे कारण से है। आज का दिवस भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन उस महत्व को लोग जानते नहीं है। आज अंग्रेजी तिथि के अनुसार हमारे परम श्रद्धेय प्रज्ञाचक्षु संत श्री गुलाबराव महाराज का निर्वाण दिवस, आज उसकी शताब्दी है, ठीक 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस महान योगी को अपनी महासमाधि जब उन्होंने पुना में ग्रहण की, वो आज का दिन था। महाराज का वाक्य बतलाता हूं, आर्य ऋषियों के द्वारा जो जो कहा गया उसका एक एक वाक्य सत्य है, यही बुद्धि से प्रमाणित करने के लिए मैं आया हूं। आर्य ऋषियों की वाणी अमोघ है। तो महाराज ने कहा, यह कुंडलिनी और षटचक्रों की जो बात है, सुनो बात क्या है। सामान्यतया लोगों को लगता है कि ऑपरेशन से, शल्य चिकित्सा से षटचक्र कुंडलिनी मिल जाने चाहिए, नहीं मिलते हैं तो उनका प्रमाणित होना संदिग्ध हो जाता है। महाराज ने कहा, सुनो, हमारा व्यक्तित्व पंचकोशात्मक है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। यह षटचक्र और कुंडलिनी मनोमय कोष के अंतर्गत होने के कारण वे हमारे भीतर तो है लेकिन शल्य चिकित्सा से प्राप्त नहीं होते हैं, ध्यान करने से उनका साक्षात दर्शन हो जाता है। ध्यान उन तक पहुंचने का मार्ग है। पूज्य महाराज ने स्वयं हमारे देश के सारे संप्रदायों का समन्वय कैसे हो ये दिखाया। पूज्य महाराज ने विश्व के सारे धर्मों का समन्वय कैसे हो सकता है इसका मार्ग प्रशस्त किया। उस महान जगत गुरु ने जो जो कुछ हम लोगों को दिया वही साकार करने के लिए पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का अवतरण भूमंडल पर हुआ है। और आज शताब्दी की इस पावन बेला में मुझे संत श्री गुलाबराव महाराज के विनम्र और अत्यंत श्रद्धापूर्ण स्मरण के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन त्र्यंबकेश्वर की धरा पर करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए धन्यता का अनुभव करता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूं। एक बार आप सब लोग बोलेंगे, संत श्री गुलाबराव महाराज की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माम्बिताः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक सामान्य व्यक्ति से प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का मात्र 5 ही मिनट में लगभग 10 गुना ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। ये तो एक पहलू का है। कंठ से ऊपर हमारे शरीर में उदान प्राण काम करता है जिससे हमें देखने का सुनने का सूंघने का बोलने का सोचने विचारने का निर्णय करने का सामर्थ्य प्राप्त हो। उदान प्राण जो कंठ से ऊपर कंठ से हृदय तक जो जिसकी मुख्य रूप से प्राण संजय है वो प्राण जिससे हृदय और फेफड़े कार्य करते हैं उदान प्राण और हृदय से लेकर के नाभि तक समान जो हमारी भीतर की सप्त धात्वाग्नि पंचभूताग्नि और जठराग्नि को जो नियंत्रित करता है मैंने कल संकेत किया था एक भोग की आग जो हमें जलाती है भस्त्रिका प्राणायाम करती रहिए ये योग की आग अग्नि है जो हमें प्रकाश देती है हम अग्नि के उपासक हैं अग्नि माने प्रकाश अग्नि माने ज्ञान तत्व ज्ञान तेजस्विता ताप दिव्यता ये समान प्राण उस हमारी आंतरिक अग्नि को संतुलित बनाए रखता है और नाभि से नीचे अपान जो हमारे इस भीतर के सब विकारों को दोषों को भीतर के अशुभ को नेगेटिव एनर्जी को टॉक्सिन्स को ऑक्सीडेंट्स को शरीर से बाहर निकालता है हमारे देह को शुद्ध रखता है इंद्रियों को शुद्ध रखता है और जब शरीर इंद्रियों और चित्त शुद्ध हो गया तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है वह तो परम ऐश्वर्यवान है पूर्ण है ज्योतिर्मय है तेजोमय है शांतिमय है आनंदमय यही हमारा मूल स्वरूप है मूल प्रकृति है मूल स्वभाव है और अपनी इस योग यात्रा में इसी अपनी भाव चेतना में हमें अवस्थित रहना अपने भीतर की पूर्णता में सदा प्रतिष्ठित रहना है इसी को कहा योगस्थ रहना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय अपने भीतर की पूर्णता में प्रतिष्ठित रहना है तदा दृष्टुः स्वरूप्यवस्थानम् ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः ये अचाह होना अकाम होना निष्काम होना आप्त काम आत्म काम होना ब्रह्म काम होना ये है हमारी योग की स्थिति।
पांच मिनट करना है कम से कम, एक रिदम के साथ। ये सबके लिए प्रार्थना, जो रोगी है उनके लिए भी, जो निरोगी है उनके लिए। अब जो योगी है जिनको कोई रोग नहीं, देह पूर्ण स्वस्थ है, तो वो इसको तीव्रता पूर्वक भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए ही केवल जो पूर्ण निरोगी है, योगी है, जिनमें अधिक बल है, प्राण को नियंत्रित करके वो फिर मन को पूर्ण नियंत्रित कर लेते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, एकाग्रता जहां होती है वहां प्रसन्नता, पवित्रता और पुरुषार्थ होता है। इसलिए मैं बार बार एक वाक्य का प्रयोग करता हूं, आज भी निष्कर्ष के रूप में आपको प्राणायाम कराते हुए कुछ मूल सिद्धांत योग अध्यात्म और जीवन के जगत के आपके बीच में रखेंगे। एकाग्रता, प्रसन्नता और पवित्रता पूर्वक जो भी पुरुषार्थ किया जाता वो सब योग है। ये तो पूरा जीवन ही योग है। योग का बड़ा परिप्रेक्ष्य आपके सामने रखा है, क्योंकि योग के दो पहलू हैं। एक साधना काल का योग, जहां हम पूर्ण नीरवता में होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, निश्चेष्ट होते हैं, अकाम होते हैं, अक्रिय अवस्था में होते हैं। जब हम सक्रिय अवस्था में होते हैं, क्रिया योग में, कर्म योग में होते हैं, एक साधना काल का योग, दूसरा व्यवहार काल का योग। तो व्यवहार काल का योग संपन्न होगा, मेरे साथ मिलके बोलेंगे, ये बहुत बड़ी योग की कड़ी है, योग का एक रहस्य है, और इसको समझना हमें योग के दो पहलुओं को समझना है। एक योग का आंतरिक पक्ष, जिसके लिए हम एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना है, यह है योगी का जीवन, यह एक आदर्श जीवन। क्या बोला? भीतर से पूर्ण, जोर से बोलो, भीतर से पूर्ण और बाहर से पूर्ण। तो भीतर से पूर्ण शांत रहना, यह है साधना काल का योग, और व्यवहार काल में बाहर से पूर्ण क्रियाशील। एकाग्रता, बोलिए, प्रसन्नता और पवित्रता पूर्वक पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए अपना अभ्युदय और निश्रेयस सिद्ध करना, यही योग है, यही अध्यात्म है, यही धर्म है। अब ये इतना सा समझ में आ गया तो पूज्य महाराज अभी कह रहे थे, भगवान ने हमको अब शरीर का भी ऐश्वर्य दे रखा है, बुद्धि का भी, वाणी का भी ऐश्वर्य दे रखा है, और इस देश के करोड़ों लोगों ने हमें अपना मान लिया, इसलिए ये बाहर का भी ऐश्वर्य हमें बहुत दे दिया। इसी को अभ्युदय कहते। अब क्या भगवान राम जी के पास में ये बाहर का ऐश्वर्य नहीं था क्या? दरिद्रता को हमारे यहां धर्म माना ही नहीं है, दरिद्रता में धर्म पैदा ही नहीं होता। दरिद्र व्यक्ति क्या करेगा? वो तो खुद दुखी रहेगा और औरों को दुख देगा। लेकिन वो वैभव, वो संपत्ति, वो समृद्धि, वो ऐश्वर्य अपने सुख के लिए नहीं होना चाहिए, वो समष्टि के सुख के लिए होना चाहिए। ये है हमारी परम। इसको हमारे यहां कहा वैयक्तिक जीवन में तप और त्याग। क्या बोला? बोलो। वैयक्तिक जीवन में तप और त्याग, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, सार्वजनिक जीवन में, ये है हमारी परम। व्यक्तिगत जीवन में तप, भद्रम इच्छन्तरिषय स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषे दुराग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम।
तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। ये हमारी परंपरा कपालभाति करेंगे, आगे बताते हैं। कपालभाति लय के साथ करना, सांस को बाहर छोड़ना और मूलाधार से सहस्रार तक अपने भीतर जो भगवान ने पूर्णता दी। व्यक्ति दुखी क्यों है? व्याधियों का मिटना ये तो योग की पहली घटना है। दिस इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ योग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योग। ये तो योग का प्रथम चरण है कि व्याधि मिट गई। अरे मेरे भाई और क्या मिलेगा योग से? आगे सुनो, योग से पूर्णता मिलेगी और वो पूर्णता अपने भीतर है। योग का मूल सिद्धांत सारी शक्तियां, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य और सारा समाधान, योग है समाधि, समाधि समाधानम, यही महर्षि वेदव्यास से लिखा, भीतर से मिलेगा। व्यक्ति दुखी क्यों है? उसको अपने भीतर पूर्णता नजर नहीं आती, इसलिए शादी करवाता है, सोचता है पत्नी से सुखी हो जाऊं। पत्नी सोचती है मैं पति से सुखी हो जाऊं। अपने भीतर पूर्णता नजर नहीं आती, इसलिए सोचता बाहर की संपत्ति से सुखी हो जाऊंगा, बाहर की सत्ता से सुखी हो जाऊंगा। कपालभाति करते रहो और इस सत्य को समझो, बाहर की सत्ता, बाहर की संपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैंने दरिद्रता से लेकर के और दुनिया के बड़े से बड़े वैभव को अपनी आंखों से देखा और उसको जिया है, और तब इस बात को कह रहा हूं। नहीं वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, कपालभाति करते रहो। यत् पृथिव्यां बृहयवम हिरण्यं पशवास्त्रियाः एकस्याप्न पर्याप्तं तस्मात्रिशां परितजे पूर्णं वर्ष सहस्रं मे विषया सक्त चीतसा तदप्य अनुद्रम तृष्णां ममतेषु उपजायते निदातु कामः कामानां भोगेन उपशाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। पूर्णता तो भीतर से मिलेगी मेरे भाई, बाहर की सत्ता, सारी दुनिया का ऐश्वर्य एक व्यक्ति को मिल जाए। यत् पृथिव्यां बृहयवम हिरण्यं पशवास्त्रियाः एकस्याप्न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परितजे तृष्णां न जीर्णम्। भोगानुभुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न जातो वयमेव जाता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। यही हो रहा है जीवन। सत्ता संपत्ति, बाहर का सुख, बाहर का ऐश्वर्य, बाहर का सम्मान, यही हम सोचते कि ये ऐसी बहुत सी उपाधियां लगी हुई, और उपाधि ले ले तो सोचते मेरे को ये उपाधि मिल गई ना तो मैं सुखी हो जाऊं।